नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी, और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज उसका भाग एक, और हमारा जो अध्याय है पहला ईदगाह, 11वां अध्याय जो है प्रेमचंद, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे ये जो 12वां अध्याय है, कल हमने अध्ययन किया था इसके पहले भाग का, 12वें अध्याय का, तो आज हम जो है इसके जो भाग दूसरा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गांव के जो बालक हैं जब ईदगाह की तरफ जा रहे हैं कैसे भागते हैं, और न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं जो वो कर रही हैं। कभी वो हलवाई की दुकान को देख के कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे जिन्नात आते हैं, उनके अब्बा ने बताया है, और वे रात को सभी मिठाइयाँ ले जाते हैं, सारी मिठाइयाँ ले जाते हैं, और जो वास्तविक पैसे हैं यानी कि जैसे पैसे हमारे पास हैं वैसे असली जो पैसे हैं उनको देकर वे मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। तो हामिद और मोहसिन बातचीत करें इसी विषय में, और हामिद काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं, तो वो पूछता है कि जिन्नात तो बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन कहता है हाँ बहुत बड़े होते हैं, आसमान जितने होते हैं, और उनका जो सिर है ना आसमान से ज़्यादा लगता है, और वे छोटा रूप धारण करके लोटे में भी घुस जाते हैं। तो हामिद कहता है कि लोग उन्हें खुश कैसे करते हैं, उसका कोई मंत्र है तो मुझे बता दे, मैं उसको खुश कर लूँ, क्योंकि छोटे बच्चों में जिज्ञासा रहती ना ऐसी कि वो भी कुछ ऐसा करें। तो आगे देखते हैं हम भाग दो के अंतर्गत कि आगे मोहसिन उसको फिर क्या उत्तर देता है। तो मोहसिन कहता है कि अब यह तो मैं नहीं जानता कि जिन्नों को कैसे काबू में किया जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है, अपने अधीन किया जा सकता है, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। जो कोई चीज़ अगर चोरी हो जाए ना तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे, और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए कहीं ना मिला, वह झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे देते हैं, जहान मतलब पूरे संसार की। अब ये जहान जो शब्द है ना उर्दू का बताया गया इसमें। जब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सामान है, अब उसकी समझ में आ गया, किसकी समझ में आ गया, हामिद की समझ में आ गया कि चौधरी के पास में इतना धन कैसे है और इतना सामान क्यों है। आगे चले, अब आगे चल रहे हैं बच्चे सभी, है ना, अब मोहसिन है, हामिद है, तो ये सभी आगे चल रहे हैं, नूरे जो हैं, समी जो हैं, सब चल रहे हैं आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रिटर्न फाय फो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएं। अब कांस्टेबल कवायद करते हैं, कवायद मतलब परेड करते हैं ना, तो उसको कवायद कहते हैं, एक साथ चलना। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं, रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। अब देखिए एक कैसा जो कटाक्ष किया गया है जो पुलिस है उसके ऊपर, जो कांस्टेबल हैं उनके ऊपर, कि वो चोर डाकू से मिले हुए हैं, एक तरफ तो जागते रहो का पहरा देते हैं और दूसरी तरफ चोरों से कहते हैं कि तुम चोरी करते रहो ना। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। अब देखिए उदाहरण दिया है इसमें, एक तीखा जो प्रहार है ना वो किया गया है, जो जो भ्रष्टाचार है या किस प्रकार की जो व्यवस्था है विभागों में देखने को मिलती है, तो 20 रुपये महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अब देखिए कैसे 20 रुपये तो महीना उनको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, लेकिन 50 रुपये घर पे भेज देते हैं वो। अल्लाह कसम मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितनी जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। अब देखिए पुलिस जो है अगर वो चोरी करवा रही है तो हामिद के बाल स्वभाव के अनुसार बच्चा पूछता ही है, प्रश्न पूछता ही है,
तो उसी प्रकार से हामिद ने उससे पूछा मोहसिन से, क्यों मोहसिन ने तो कह रहा था ना कि उसके मामा जो हैं वो कांस्टेबल हैं और 20 रुपये महीना कमाते हैं, 50 रुपये भेज देते हैं घर पे। तो उसने कहा कि मैंने अपने मामू से जब पूछा कि आप इतने रुपए कहाँ से पाते, तो वो बोले कि ये तो अल्लाह देता है और हम चाहें तो लाखों रुपए कमा सकते हैं एक दिन में, लेकिन इतना ही लेते हैं कि जितनी बदनामी ना और नौकरी ना चली जाए। तो हामिद ने कहा कि यह लोग चोरी करवाते हैं, अब यह लोग मतलब कि पुलिस अगर चोरी करवाती तो इन्हें पकड़ता नहीं कि कोई। तो मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। अब देखिए ईश्वर जो है ना, अगर बेईमानी से कोई अपने कार्य कर रहे हैं, बेईमानी से धन अगर कमा रहे हैं, तो ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं उस धन को व्यर्थ में ही लगवा देता है। तो वह धन तो जाता ही है और साथ में जो हमारे मेहनत का जो धन होता है ना वो भी चला जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण भी इसमें दे दिया साथ ही साथ। तो मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा कर बोला, अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देते हैं, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। अब देखिए कैसे बेईमानी से पैसा जो इकट्ठा किया था, तो ईश्वर ने देखिए कैसा न्याय किया है कि जो उसके द्वारा बेईमानी के पैसे हराम मतलब बेईमानी के जो पैसे कमाए गए थे ना, तो घर में आग लगने के कारण से सारा कुछ जल गया और एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, अब क्योंकि हामिद ने बेचारे ने कभी देखा ही नहीं था कि 100 ज़्यादा हैं या 50 ज़्यादा हैं, उसको तो पता ही नहीं है। तो हामिद सहज भाव से पूछ रहे हैं कि 100 ज़्यादा होते हैं 50 ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब ये मोहसिन और हामिद के बीच में प्रतिवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। अब इत्र में बसे मतलब कि सभी ने जो तरह तरह का खुशबूदार जो इत्र है वो लगा रखा है, तो सभी के दिलों में उमंग है, एक नया उत्साह है। और कोई इक्के तांगे पर यानी घोड़ा तांगे ना उस पर जा रहे हैं, कोई मोटर कार में जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। अधिक ग्रामीणों का यह छोटा सा जो दल जा रहा है वो विपन्नता, क्योंकि कोई अमीर नहीं है, अपनी विपन्नता से बेखबर ही है ना, अपनी ही मस्ती में संतोष और धैर्य में मगन चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, क्योंकि बच्चों ने नगर में कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि गाँव में तो जो वस्तुएँ रहती हैं वैसी उनके अनुसार उन्होंने पशु देखे हैं, जानवर वगैरह देखे हैं, है ना, पक्षियों को चहचहाते देखे, लेकिन बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ कह सकती हैं, जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो नहीं देखी, क्लब घर नहीं देखा, पुलिस थाना वगैरह नहीं देखा, तो इस प्रकार के नहीं देखे। तो वो हर एक चीज़ को ताकते हुए जा रहे हैं और ताकते ही रह जाते हैं, पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। अब बच्चे देखिए किस प्रकार से मगन हो गए हैं, और साथ ही साथ जो कुछ ग्रामीण भी हैं वो भी इसी प्रकार से जो पहली बार शहर में आए हैं। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, अब मोटर के नीचे जाते जाते बचा मतलब कि पीछे से हॉर्न बज रहा है, मोटर आ रही है पीछे से, लेकिन हामिद तो अपनी ही धुन में जा रहा है, उसको कोई सुध-बुध नहीं है कि पीछे से कोई आ रहा है। तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, अर्थात उसका जो दुर्घटना होने से बच गया वो। सहसा ईदगाह नज़र आया, अब अचानक ईदगाह भी नज़र आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। अब ये जो ईदगाह है ना उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है कि कैसा वो दिखाई दे रहा है ईदगाह है। ऊपर तो इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, जाजिम मतलब कि जिसको अपने कालीन कह सकते हैं, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक, पक्की जगत मतलब पक्का जो स्थान है ना जहाँ पर जाजिम बिछा हुआ नहीं है, जो चटाइयाँ वगैरह बिछी हुई नहीं है, मेट वगैरह बिछी हुई नहीं है, उससे नीचे भी लोग पहुँच चुके हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। अब देखिए बहुत ज़्यादा जो रोजेमंद हैं, जो ईदगाह में आए हुए हैं, तो आगे जगह नहीं है,
यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। अब ये वजू क्या होता है? अपने देखते ना कि हाथ पैर धोते हैं अपने, तो हाथ पैर धोना तो वजू करना कहलाता है। वो तो वजू किया, हाथ पैर धोए अपने, कुल्ला वगैरह किया और पंक्ति में पीछे पंक्ति में खड़े हो गए जाके। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएँ, और यही क्रम चलता रहा। अब आपने देखा होगा कभी कि जब नमाज पढ़ी जाती है तो उस समय सभी एक पंक्ति में एक कतार में खड़े हो जाते हैं और उनकी क्रियाएं लगभग समान रहती हैं। और जब वे घुटनों के बल बैठते हैं और नीचे झुकते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे लाखों बिजली की जो बत्तियाँ हैं ना प्रदीप्त होती हैं, प्रदीप्त होना मतलब जलती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएँ विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि भ्रातृत्व भाईचारे का जो एक सूत्र है तो इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो एक साथ ही सभी खड़े हो रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ झुक रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है कि सभी को एक लड़ी में बांध दिया गया हो, एक सूत्र में बांध दिया गया हो। तो ये तो था पहला दृश्य जिसमें हमने पढ़ा है कि ईदगाह के लिए जा रहे हैं और ईदगाह में पहुंचने पर ईदगाह की जो दृश्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद में नमाज जब ख़त्म होती है तो उसके बाद में क्या हो रहा है, तो उस दृश्य का हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा मतलब उस पर हमला होता है। हमला ऐसे नहीं है कि लूट लिया गया है उसको, बल्कि सभी उस ओर भागते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। अब क्योंकि ग्रामीण आपने देखा होगा गांव से आते हैं ना जो लोग, तो वे भी काफ़ी उत्सुक होते हैं ऐसे मिठाई की दुकानों पे, खिलौनों की दुकानों पे जाने के लिए, तो वे कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाऊँ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठती हैं। हामिद दूर खड़ा है। अब ये हामिद दूर क्यों खड़ा है? क्योंकि उसके पास में पैसे कम हैं, और क्योंकि महमूद, मोहसिन, नूरे और समी जो अपने पिता के साथ में आए हुए हैं उनके पास में पैसे भी हैं, तो इसी कारण से वो जो है चरखी पर चढ़ गई हैं जहाँ पर हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, और एक पैसा देकर 25 चक्कर खाते हैं वो। तो हामिद दूर खड़ा हुआ है। अब दूर क्यों खड़ा है देखिए आगे पढ़ रहे हैं हम। तीन ही पैसे तो थे उसके पास, अब देखिए तीन पैसे हैं सिर्फ उसके पास में, अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब देखिए कितना वो संयमित तो हो रहा है यहाँ पे। अब वह भी उनके साथ में उस झूले पे चरखी पे बैठ सकता था, लेकिन वो कहता है कि मैं अपना एक तिहाई क्यों दे दूँ, तीन पैसे तो हैं उसके पास में। अब कोष मतलब इसमें खजाने के लिए कहा गया है, उसके भंडार के लिए कहा गया कि उसके पास में तो सिर्फ तीन ही पैसे हैं और एक तिहाई क्यों दे दे वो चक्कर खाने के लिए। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब देखिए बाल सुलभ मन के अंतर्गत बच्चे के मन में भी आता है कि वह भी तरह तरह के खिलौने लें। अब सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और साधु, बहुत सुंदर खिलौने थे वहाँ पर। अब बोला ही चाहते हैं, यानी कि जो ऐसे लग रहे था कि जैसे अब बोलेंगे ही वो। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। अब देखिए महमूद जो वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी पहनी हुई है, लाल पगड़ी पहनी हुई है सिर पे, और कंधे के ऊपर बंदूक रखी हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे वो कवायद किए चले आ रहे हैं, कवायद मतलब परेड करता हुआ चला आ रहे हैं। और मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखे हुए हैं। अब ये मस्क क्या होता है? एक चमड़े का पात्र जैसे बना रहता है, चमड़े की जो है थैली जैसी होती है जिसमें पानी भरा जाता है। पहले जो है
जो भिश्ती है ना, जो पानी भरने वाले हैं, तो लोगों के घरों में इसी के द्वारा ही पानी भरते थे, क्योंकि आजकल के जैसे नहीं है कि पानी घरों में आ जाए, क्योंकि आजकल तो वाटर वर्क्स वगैरह है, समर्सिबल वगैरह लगे हुए, तो आजकल तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहले ऐसा होता था कि भिश्ती जो है वो लोगों के घरों में पानी भरता था। मस्क का मुंह है, एक हाथ में पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मस्क से पानी उढ़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, विद्वता मतलब विद्वानता है, काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। अब देखिए किस प्रकार से नूरे ने एक वकील खरीदा है खिलौने के रूप में, मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं ये सारे। अब काला चोगा है, लंबा कोट जिसको कहते हैं, सफ़ेद अचकन, और सफ़ेद अचकन मतलब अंदर जो शर्ट वगैरह पहनी हुई ना वो सफ़ेद है, और अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है उसकी, और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रही हैं, यह सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। अब हामिद फिर यहाँ पे बेचारा एक जगह शांत खड़ा हुआ है। अब क्यों खड़ा हुआ है, देखिए आगे पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में, कि हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, ये पहले भी हमें पढ़ा है, और जब अमीना है उसके पास में 8 पैसे बचे थे, 5 पैसे वो खुद अपने पर्स में रख लेती है, बटुए में रख लेती है, और 3 पैसे इसको देती है मेले के लिए। अब हामिद के पास में 3 पैसे ही हैं, वो कहते हैं कि इतने महंगे खिलौने से खिलौने वो कैसे लें, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा धुल जाए, रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम की। अब देखिए कितनी अधिक एक बालक के मन में एक परिपक्वता अपने कह सकते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान जो है वो कर रहा है, एक 4-5 साल का बच्चा जो है वो कहता है कि ये खिलौने महंगे हैं, और अगर हाथ से नीचे गिर गए, क्योंकि मिट्टी के तो बने हुए हैं, चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और पानी अगर गिरा तो इसका इनका रंग जो है वो धुल जाएगा, तो वह खिलौनों के ऊपर पैसा क्यों बर्बाद करें, और ये किस काम के हैं। तो मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। अब देखिए खिलौने बच्चों ने खरीद लिए हैं, किसी ने भिश्ती खरीदा है, किसी ने सिपाही खरीदा है, किसी ने वकील खरीदा है। अब आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, बच्चे प्रशंसा कर रहे हैं अपने खिलौनों की। तो मोहसिन कहते हैं जिसने बिस्ती खरीदा था वो कहते हैं कि रोज़ ये पानी दे जाया करेगा मेरे घर पे शाम सवेरे सुबह सवेरे। फिर महमूद कहते हैं कि और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फैर कर देगा, फैर कर देना मतलब कि उस पर हमला कर देगा। तो नूरे और वकील मेरा वकील अब नूरे कहते हैं कि और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करते हैं। अब देखिए हामिद के पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो खिलौने नहीं खरीद पाता, तो ये बालकों का सहज स्वभाव होता है कि जो हमारे पास में वस्तु नहीं है तो हम उसकी निंदा करते हैं, बालक निंदा करते रहते हैं उसकी। तो वो निंदा कर रहा है वो हामिद, क्योंकि उसके पास में 3 पैसे थे, तो वो कहते हैं कि मिट्टी के हैं, टूट जाएंगे और हो जाएगा। अब निंदा करते हुए कहते हैं कि मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। अब देखिए बालक जो है क्योंकि उसके पास में नहीं है तो इस कारण से वो निंदा कर रहे हैं, और लेकिन ललचाई हुई आंखों से वो खिलौनों को देख भी रहा है, और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। अब देखिए पहले तो वो निंदा कर रहे हैं खिलौनों की हामिद, और ललचा भी रहा है देख कि उसको वो मिल जाए, और अनायास ही अपने हाथ भी लपकाता है उनकी खिलौनों की और लड़कों की ओर, लेकिन वो उसको देते नहीं हैं, और वो हामिद जो है वो ललचाता ही रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ लीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। अब देखिए खिलौनों के बाद में मिठाई की बारी आ रही है, कि सभी बच्चे कोई ना कोई मिठाई ले रहा है, कोई रेवड़ियाँ ले रहा है, कोई गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया और मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, अब पृथक है मतलब अलग है वो उनसे, अब ना ही उसने कोई मिठाई ली है। अब भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अब भागे के पास में इसका दुर्भाग्यशाली कैसे देख सके, क्योंकि ना ही तो माता है ना पिता है, तो इसके पास में 3 पैसे ही हैं सिर्फ, और वो विचार कर रहा है, लेखक भी विचार कर रहा है, देखिए कितना आत्मीयतापूर्ण अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, कि क्यों नहीं वो कुछ लेके खा लेता, और ललचाई हुई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। अब देखिए सभी इसको चिढ़ा रहे हैं, हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है,
मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। अब देखिए, बच्चों में ये प्रकृति रहती है कि वो जिनके पास में वस्तु कोई चीज़ होती है ना खाने वगैरह की, तो दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से हामिद को भी चिढ़ाने के लिए मोहसिन कहता है कि मोहसिन तू वहाँ क्यों खड़ा है, ये मेरे पास में जो रेवड़ी है ना वो काफ़ी खुशबूदार है, तो मेरे पास आ तू ले ले। तो पहले हामिद सोचता है कि ये मेरे साथ में भद्दा मजाक कर रहा है कि मोहसिन तो इतना उदार है ही नहीं कि वो सहजता से कोई वस्तु कोई चीज़ दे दे उसको, लेकिन फिर भी वो उसके पास में जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है, दोनों मतलब जो कटोरी या पत्तल कह सकते हैं, तो हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुँह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियाँ बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, खिसिया जाना मतलब कि एक प्रकार से चिढ़ जाता है उनके ऊपर। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम से कसम ले जाओ। हामिद कह रहा है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? अब देखिए, मोहसिन चिढ़ गया है जब हामिद चिढ़ गया है जब मोहसिन ने उसको रेवड़ी नहीं दी, लेकिन मोहसिन अब कह रहा है कि अल्लाह कसम मैं तुम्हें अब दे दूँगा, ले मेरे से। तो हामिद कहता है कि अपने पास ही रखो ये, क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? समी कहता है तीन ही पैसे तो हैं, तीन पैसे में क्या क्या लोगे? अब देखिए, जो समी है वो कह रहा है कि तेरे पास तो तीन पैसे हैं, तो तीन पैसे से लेगा क्या? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? नेमत मतलब ईश्वर द्वारा थोड़ी दी हुई है, ये किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं। अब देखिए, यहाँ भी एक परिपक्वता जो है उसका परिचय इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से अच्छाई और बुराई जो है, एक छोटा सा जो बालक है वो भी जानता है। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा, क्योंकि ये भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है कि किसी के पास में बच्चों के पास में अगर कोई चीज़ है ना, वो एक बार रख लेते हैं और धीरे धीरे खाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे को ललचा ललचा के खाते हैं। तो ऐसा ही भाव इसमें बताया है, बाल स्वभाव जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन इसमें लेखक ने सहज भाव से किया है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। अब लोहे की जो चीज़ें हैं उनकी दुकानें आ गई मिठाई के बाद में, कुछ गिल्ट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, अब क्योंकि लड़कों को इन चीज़ों से क्या लेना देना है, अगर कोई खिलौने होते या मिठाई की दुकान होती तो आकर्षित होते ही, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। अब सभी जैसे मोहसिन, नूरे, समी, सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अब क्यों रुका है, देखिए किस प्रकार से उसके मन में अपनी बूढ़ी जो दादी अमीना है उसका ख्याल आ रहा है। तो इसी भाव को इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, अब क्या खरीदेगा यहाँ से, क्योंकि खिलौने तो है नहीं यहाँ पे, ना ही कोई खाने की चीज़ है जो खरीद ले, सुबह से बेचारा भूखा है ये। रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब देखिए, एक बालक जो है अपनी इच्छाओं का परित्याग करते हुए दूसरों की जो इच्छाएं हैं, दूसरे की जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको किस प्रकार से महत्व दे रहा है, कि उसको याद आ रहा है कि उसकी दादी जो उसके पास में चिमटा नहीं है, और जब वो तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। अब देखिए, अच्छी और जो बुरी चीज़ है तो उसके अंदर जो भेद कर रहा है हामिद, छोटा सा बालक 4-5 वर्ष का है ये, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, अब देखिए चिमटे के बारे में सोच रहा है कि चिमटा कितने काम की चीज़ है। अब किस प्रकार से वो बता रहे हैं, देखिए, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। अब देखिए, अपनी अम्मा जो अपनी दादी जो है ना, उसका ख्याल कितना आ रहा है उस बच्चे को। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गई हैं,
सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील मतलब जहाँ पे ठंडा और जो मीठा जो जल है वो पिलाया जाता है, उसको सबील कहा जाता है। जैसे एकादशी के अवसर पर, ज्येष्ठ की एकादशी जब होती है, तो उसमें आपने देखा होगा हर तरफ जो है ठंडे जल की व्यवस्था रहती है, मीठा जो जल है शरबत वगैरह की व्यवस्था रहती है। तो सभी जो सबील पे शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं। अब मोहसिन विचार कर रहे हैं, हामिद विचार कर रहे हैं मन ही मन कि सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फून से निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं। अब देखिए किस प्रकार से उसको जो पढ़ा हुआ ज्ञान है ना, 4-5 वर्ष के बालक को, हामिद को वह बार बार स्मरण हो रहा है, मेरी जबान क्यों ख़राब होगी, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मिजाज मतलब कि अपना जो नखरे दिखा रहे हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाई मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, किसी के नखरे मैं क्यों सहन करूँ, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। अब अपने ही मन में वो विचार कर रहा है हामिद खड़ा हुआ कि मैं किसी से मांगने थोड़ी जाता हूँ, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे। अब उसके मन में एक आशा है कि उसके अब्बा जो हैं, उसके जो पिता हैं, वो कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे, सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। अब वो विचार कर रहा है कि अगर मैंने चिमटा खरीद लिया तो अम्मा तो दुआएं देगी, सारे गांव में दिखाएगी, सभी प्रशंसा करेंगे, लेकिन इसके जो मित्र हैं ना, मोहसिन महमूद नूरे समी, ये सब जो है उसके मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। वो कहते हैं हंसी उड़ाए तो उड़ाते रहें, मुझे उससे क्या है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। अब दुकानदार से वो पूछ रहे हैं, दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब क्योंकि बच्चे तो केवल खिलौनों के प्रति आकर्षित रहते हैं, लेकिन हामिद के तो मन में जज गया है कि उसको चिमटा खरीदना। वो दुकानदार के पास में जाता है और पूछते हैं कि यह चिमटा कितने का दिया है। तो दुकानदार भी देखते हैं कि इसके साथ में कोई है नहीं, तो कहते हैं कि तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है क्यों नहीं। अब देखिए हामिद और दुकानदार के बीच में बातचीत हो रही है, वो कहते हैं कि बिकाऊ है क्या, वो कहते हैं क्यों नहीं बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, अगर बिकाऊ नहीं तो हम क्यों लेके आए यहाँ पे, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है। अब हामिद जिद पूर्व पूछ रहा है उससे कि बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है, तो दुकानदार कहते 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। अब हामिद का दिल बैठ गया मतलब कि हामिद के पास में तो सिर्फ 3 पैसे थे, तो 6 पैसे में कैसे खरीदेगा, वो मोल भाव कर रहा है हामिद जो है, ठीक ठीक बताओ। तो कहते चलो, दुकानदार कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। अब देखिए हामिद के पास में सिर्फ 3 पैसे थे बेचारे के पास में, तो कलेजा मजबूत करके वो कहता है कि 3 पैसे लोगे क्या। तो यह कहता वो आगे बढ़ गया और दुकानदार की घुटकियाँ ना सुने, घुटकियाँ मतलब कहीं गालियाँ वगैरह निकालने लगे, उसको डांटने ना लगे, डपटने ना लगे, जिसके कारण से इतना कहते हो कि 3 पैसे लोगे क्या, इतना कह के वो आगे बढ़ गया। तो लेकिन दुकानदार ने घुटकियाँ नहीं दी, उसको डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। अब दुकानदार भी उसकी स्थिति को हो सकता है समझ गया हूँ, तो दुकानदार ने उसको डांटा नहीं बल्कि उसको चिमटा दे दिया बुला के। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। अब वो ऐसे लेके आए हैं जैसे कि कोई बंदूक उसने तान रखी और शान से अकड़ता हुआ अपने मित्रों के पास में आ पहुँचा है। अब आगे के भाग में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो दूसरा भाग है उसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं ना, और किस प्रकार से उसको ललचा रहे हैं। लेकिन हामिद जो वो चिमटा खरीदता और अकड़ते हुए आ रहा है, और उसके जो साथी हैं
सब के सब क्या आलोचनाएं करेंगे वो हम पढ़ेंगे भाग तीन के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इतने ही अपनी बात को विराम देते हुए, आज हमने जो पढ़ा है हामिद के बारे में कि किस प्रकार से वह छोटा सा बालक जो अपनी परिपक्वता, इसमें बुद्धि की जो परिपक्वता कह सकते हैं, संयमित जो विचार हैं उनका किस प्रकार से उसने इसमें प्रदर्शन किया है, और किस प्रकार से वह एक वयस्क के समान पाठ जो है वो निभा रहा है, चरित्र को उभार रहा है। तो इसी के साथ में आज हम अपनी जो अध्याय है उसको यहाँ विराम देते हैं और भाग तीन में आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।